प्रदेश में पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर 19 वर्षीय अनीता होगी। मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 19 वर्षीय अनीता नूरपुर के एक छोटे से गांव कुखेड़ की रहने वाली हैं। अनीता जूडो, कुश्ती, बॉक्सिंग में राज्य स्तरीय और नेशनल प्रतियोगिताओं में कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और पिछले एक वर्ष से मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं। चंडीगढ़ ट्रायल पास करने के बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेंगी और प्रदेश की पहली खिलाड़ी होंगी जो इस खेल को खेलती हैं। अनीता का मानना है कि बेटियां कुछ भी कर सकती हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। अपने माँ बाप और देश का नाम बहुत रोशन कर सकती हैं। अनीता ठाकुर है, मैं गुरचाल से आती हूँ और मैं बॉक्सिंग, रेसलिंग और जूडो खेलती हूँ और मुझे यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हुए एक साल हो गया और मैं ये सब खेल चुकी हूँ, तीनों गेम्स खेल चुकी हूँ। अब मैंने सोचा कुछ यूनिक खेलते हैं, तो मिक्स मार्शल आर्ट में हमारे ट्रायल जो हैं वो चंडीगढ़ में हुए थे, अब दिल्ली में है, इनके कंपटीशन दिल्ली में है। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध रहेगा कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करें और मैं और सभी का यही मोटो होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में आए हैं तो कुछ करके जाएं, ऐसे नहीं कि हम यूं ही फ्री में बैठे रहें। और हम यहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं और फ्री में लेते हैं, तो मेरे बाकी युवाओं से भी, लड़कियों चाहे लड़के हों, उनसे भी यही अनुरोध है कि वो भी प्रशिक्षण लें और अपने देश का नाम रोशन करें। और मैं MMA में हिमाचल की फर्स्ट गर्ल हूँ। प्रशिक्षण दे रहे अमित राणा ने बताया कि जब से वे नूरपुर आए थे तो यहाँ के हालात बहुत खराब लगे। लड़के और लड़कियां नशे और मोबाइल की लत में डूबे थे। उन्हें अपनी फिटनेस और खेलकूद के बारे में जरा भी रुचि नहीं थी। उन्हें इस चीज से निकालने के लिए खेलों का सहारा लिया। पहले साल में बच्चों ने राज्य स्तरीय और नेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते और नूरपुर का नाम प्रदेश में चमकाया। लड़कियों को बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए मिक्स मार्शल आर्ट को चुना और उसकी ट्रेनिंग दी। चंडीगढ़ ट्रायल के दौरान अनीता चैंपियनशिप के लिए चयन हो गई, जो 20 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान में मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेंगी और प्रदेश की पहली मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर होंगी और इस खतरनाक खेल में हिमाचल की बेटियों की शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। नूरपुर में आया था तो मैंने यहाँ देखा कि नशे और मोबाइल में लड़के लड़कियाँ इतने बिजी हैं कि उन्हें अपनी फिटनेस के बारे में ही नहीं पता, और स्पोर्ट्स के मामले में तो वो बहुत ज़्यादा पीछे थे। तो मेरा यही मोटो था कि नूरपुर को स्पोर्ट्स में हाईलाइट करवाना है, तो हमने वही गेमें चूज़ की जो यहाँ पे नेचुरल DNA में, अगर वो फाइटिंग स्टाइल में तो हमने जूडो, रेसलिंग और बॉक्सिंग तीनों गेमें कम्बाइन की, तो उसमें हमने नेशनल खेले, स्टेट में मेडल निकाले, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये था कि लड़कियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना है, तो MTV सुपर लीग के ट्रायल हो रहे थे चंडीगढ़, तो हमने लड़कियों को भेजा, वहाँ पे ये लड़की चुनी गई। अब ये दिल्ली प्रगति मैदान में इस साल पार्टिसिपेट करेगी और हिमाचल की पहली MMA फाइटर है ये।